हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेहा'स क्रिस्पी फूड में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गॉट स्किन की रेसिपी। इसमें हम थोड़े से गॉट के कुछ पार्ट एडेड है, जैसे कि उसका चर्बी वाला हिस्सा, थोड़ा सा जिसे चुस्ता चरबोदा कहते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखिए, सारे पार्ट को अच्छे से वॉश करना है ताकि इसमें एक भी बाल ना रहे। तो मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए इसमें बिल्कुल बाल नहीं है, अच्छे से साफ़ किया हुआ पार्ट है। इसे स्किन बोल रहे हम, गॉट स्किन रेसिपी। इसमें कुछ पार्ट एडेड है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चाहिए छोटे साइज का 4 प्याज, बड़े साइज का 2 प्याज, और मसाले के लिए जीरा, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इन सब का बारीक पेस्ट बनाएंगे। दूसरे साइड हम गर्म करेंगे ऑयल। तो हमने डाल दिया कढ़ाई में ऑयल, जितना हमारा मटन है उसके हिसाब से ऑयल ले लिए हम। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज जो हमने काटा है। प्याज को भूनते हैं और इधर हमारा जो है पेस्ट बनकर रेडी हो रहा है। अब देखिए, ये जो फैट वाला पार्ट है उसे हमने डाल दिया 2-4 पीस प्याज के साथ ही, और इसे थोड़ी देर भुनने के बाद 5 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे अपना सारा स्किन वाला पार्ट और इसे भी भुनेंगे। स्किन बना रहे हैं तो इसे अच्छे से भूनिए, और अगर और कोई भी पार्ट जो गॉट का अगर लिया हमने तो उसमें ऐड कर दीजिए। तो जैसा कि मैं ऐड कर देती हूँ, और सबको अच्छे से भूनते हैं। इसकी क्वांटिटी इतनी अधिक हो गई थी कि इसे चलाने के लिए मुझे अपना हथियार बदलना पड़ गया। अब हम इसे चला रहे हैं बड़े से ग्राइंडर की सहायता से। अब देखिए, काफ़ी अच्छे से भुन गया है, तब हम इसमें डाल देंगे जो पेस्ट हमने रेडी किया था। सारे पेस्ट को डाल दीजिए अच्छे से, थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले में हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर काफ़ी सुंदर आएगा, और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया हमने, और जो जीरा और काली मिर्च हमने पहले ही डाल दिया था तो उसे डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको करी थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना है तो आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, और सबको अच्छे से चलाना है, बिल्कुल जो नीचे चिपक रहा है उसे छुड़ाते हुए चलाएं, वरना ये नीचे से जो चिपकने लगेगा। तो मेरा हथियार जो है चलाने वाला बदलते रहता है। अब देखिए, कुछ पार्ट जो होते हैं वो इजीली गलने वाले होते हैं, तो उसे आप निकाल कर खा भी सकते हैं अभी, और या फिर आप इसे बनने के बाद ही खाइएगा। वैसे कोई भी नॉन वेज हो तो उसे अच्छे से पका कर ही खाना चाहिए, वरना कितने तरीके के बीमारियां हो सकती है। अब देखिए, अच्छे से हमने रगड़ कर एकदम चला लिया है ताकि नीचे बिल्कुल ना बैठे, और ये काफ़ी अच्छा कलर आ गया है और खुशबू भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसे आप कुकर में डाल दीजिए, इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा और एकदम मुलायम हो जाएगा, हाथ से टूटने लायक। कुछ सीटी लगाने के बाद मैं हवा निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि फाइनल में कैसा लुक आया है। अब
कुकर में नहीं होगा तब जाकर ये जो है मुलायम होगा, और एकदम मुलायम पसंद नहीं होता है तो आप उसे ही डालिए। तो देखिए निकाल लिया कितना स्वादिष्ट है और खुशबू तो एकदम लाजवाब आया है। अब इसमें हम डाल देंगे मटन मसाला, चिकन मसाला भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छा बना है दोस्तों, देख कर ही मुँह में पाया है, देखिए वाह बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब इसे हम सर्व करते हैं, धनिया के पत्ती है तो उसे डाल दीजिए, नहीं है तो स्किप कीजिए, ऐसे भी ये टेस्टी लगने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।